कमाते हुए देखा। इतनी तो उपलब्धि हुई। अब मेरी गहराई में हमारे साथी क्या करेंगे, तीनों कहते हैं ये जाना। तो ये सही है कि हमारी टिप्पणी का कुछ असर होता था, लेकिन धीरे धीरे हमारी इच्छा के साथियों की टिप्पणी का भी असर होगा, रोजगार करना ऐसा मुझे विश्वास रहता है। 27 सितंबर को मैंने कहा कि माफ करेंगे मुख्य न्यायाधिपति जी, अच्छा होता बंगला भाषण बोलते, लेकिन आज मुझे खुशी है आपने कम सम्मान किया है। हम चाहते थे कि जब हिंदी बोल रहे थे तो आपको कम से कम रात भाषा के सम्मान में ताली पीट करके उनका सम्मान करते। हम आदर करते हैं, कोई हमारे सभी बहुत साथी यहाँ पर बैठे हैं जिनके हम मुवक्किल रह चुके हैं। महाधिवक्ता साहब के मुवक्किल जाने कितने दोस्त हैं, क्योंकि मैं कभी भी चापलूसी नहीं करता हूं। आपने बहुत हिंदुस्तान की एकता के लिए रात भाषा में भाषा देकर की सेवा की, क्योंकि हमें अफसोस होता है कि हमारी भारत माता अब भी होगी है, इसकी कोई भाषा रात भाषा सम्मान होता है। यूरोप में किसी मुल्क में आप गए होंगे, कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, और लोग मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वो बड़े बड़े पढ़े लिखों को मैंने बोलते हुए देखा, तो मैंने कहा ये कैसे बुद्धिजीवी है। तो हमने कभी कह दिया है कि बुद्धिजीवी तो है, बुद्धिमान साधनी अंतर है, बुद्धिजीवी बुद्धिमान ध्यान रखना। वैसे कभी कहूँ आगे नहीं, समय कम है, भूल के पूरा जाऊंगा। तो ये संबंध जानते हो कि कितना रास्ता मेरा गहरा हो सकता है। वहां से हम जनप्रतिनिधि अभी हैं, मतदाता और जनप्रतिनिधि का कितना गहरा रिश्ता होता है, इससे मेरी राय में इससे गर्म रिश्ता गहरा कोई दुनिया में होता है, वो रिश्ता है। मुझे जाना है, लेकिन उसे माफी मांगू देरी करती हमें अफसोस। जो हमारे कुछ बाहर के आए हुए अधिवक्ताओं के यहाँ आने में परेशानी हुई, उनसे जो हम माफी चाहते हैं। मुझे खबर मिली तो तब मैंने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा तत्काल बुलाइए जिनको रोका जा रहा है। यह जब सही है कि थोड़ा सा आप तो पढ़े लिखे हैं कि अभी बीएसएफ ने तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा काम किया है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम राजनेताओं पर हमला करेंगे। उत्तर जीता जाता और हटकल का हो ही रहा था, वो करेंगे। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, आर्मी की इंटेलिजेंस की चिट्ठी मेरे पास आ चुकी है, उस लिस्ट में सेंटेंस तो मैं नहीं, लेकिन इसे छापे भी नहीं तत्काल, तो मैं माफी चाहता हूँ छापे में। छापने से कोई अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोग छापने में अपना समझते हैं कि सम्मान बढ़ता है, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं। थोड़ी सोचते हैं कि देश के लिए जो नेता अपने जीवन की परवाह करेगा वो सच्ची सेवा नहीं, लेकिन कोई अपना सच्चा कर्म रहेगा वो अलग है। लेकिन इसे मैं पत्रकार मित्रों से कहेंगे कि खबर न छापना, तो हम कहेंगे हमारा नाम है वो तो है, अफवाह पहले भी निकल चुका दोहराना नहीं। जहां तक कि हमारे मित्र वक्ताओं ने एक जाहिर किया कि आपके कुछ साथी कहते हैं कि उन बातों को दोहराना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम बार बार अपने वकीलों और वक्ताओं से कहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम की याद करते रहें, शायद प्रेरणा जग जाए। आजादी तो मिल गई, लेकिन लोकतंत्र को बचाने का भी तो अवसर आ गया है। और जो अपने पुरखों को भूल जाते हैं वो कौमी निष्ठा नाबूद हो जाते हैं। अगर आप कहीं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कि जितने वकीलों ने जो कम उठाकर आजादी पर मैं शानदार भूमिका निभाई थी, उनका अगर हम भूल जाएंगे कहां तेरा कहां सब है, इसे कभी भूल न जाना। जहां भी हो उनको पढ़ना, उनके बारे में याद लगाते रहना चाहिए। मैंने सिद्धांत बात कही कि जो अपने पुरखों को भूल जाते हैं
वो कौम में निष्ठा लागू हो जाते हैं, इन पुरखों को भूल जाते हैं। उस समय के बाकी जैसा लग रहा था, हम 1980 से लगा था, बड़ा नीमा में चीख चीख के बोले हैं कि जब तक हमारे वकील सामने नहीं आएंगे, वक्ता नहीं आएंगे और छात्र नहीं आएंगे, तब तक की सड़ी गली में सब बदल नहीं सकते। लेकिन मेरी बात का कोई ऐसा नहीं पड़ जा रहा। याद होगा 1980 में आप वकील हैं, मैंने कितनी जगह अपील की थी कि फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं, जिसमें 271 हो रहे हैं, और आपको याद होगा 14 जहां से हमने किसी तरह से केवल सिविल सियाजी करा ली थी, 14 के समय पुलिस फंसी, मैं प्री में तो आजीवन कारावास हुआ था, जबकि ऐसी तरह करके कांसल करता था जो पाठक के छात्र को हत्या के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक सरकार नोटिफाई नहीं कर दो, घोषणा नहीं कर दी कि जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान न करे माफिया और अपराधी को, तब तक उसकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं। या तो आमना सामना हो जाए, आमना सामना जब हुआ था छदराम से तो पुलिस कितनी मारी गई, तो कितने मारे गए तो आपको याद होगा, पुलिस से बार बार के मारे जा रहे थे, तब भी मैं चीखा था मुख्य न्यायाधिपति किसी भी बात से कोई प्रस्ताव नहीं आया, रखते और मैंत्री भी मैंत्री के बारे में प्रस्ताव पास किया था, ये गलत होगा। और फिर ये मैंने इसलिए कहा कि अब राजनीति में हम बराबर कह रहे हैं, जहां से हमने किसी तरह से केवल सिविल सियाजी करा ली थी, 14 के समय पुलिस फंसी, मैंत्री में तो आजीवन कारावास हुआ था, जबकि ऐसी तरह करके कांसल करता जो पाठक के छात्र को हत्या की गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक सरकार नोटिफाई नहीं कर दो, घोषणा नहीं कर दी कि जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान न करे माफिया और अपराधी को, तब तक उसकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं। या तो आमना सामना हो जाए, आमना सामना जब हुआ था छदराम से तो पुलिस कितनी मारी गई, तो कितने मारे गए तो आपको याद होगा, पुलिस से बार बार के मारे जा रहे थे, तब भी मैं चीखा था मुख्य न्यायाधिपति किसी भी बात से कोई प्रस्ताव नहीं आया, रखते और मैंत्री भी मैंत्री के बारे में प्रस्ताव पास किया था, ये गलत होगा। और फिर ये मैंने इसलिए कहा कि अब राजनीति में हम बराबर कह रहे हैं, ये राजनीतिक मैदान कोई खाली नहीं रहेगा, आप नहीं आएंगे तो माफिया आएंगे, जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो जिसको मौका मिला हुआ जाएगा, और ये सच्चाई है कि अगर आप लोग आए होते राजनीति में तो माफिया कभी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं आ सकता। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि दो वर्गों से ज्यादा उम्मीद थी देश के परिवर्तन की लड़ाई, 1967 में जब छोटी मोटा परिवर्तन हुआ था डॉक्टर भैया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का, जिसमें गैर कांग्रेसवाद के नाम पर चौधरी चरण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, डॉक्टर भैया की जयंती थी गैर कांग्रेसवाद, तो प्रोसती कपी आया था। लेकिन 75 के इतिहास की लड़ाई में वकील सबसे आगे था, हम भले ही जेल में बंद थे, 1999 जेल में भली बंद रखा हो, लेकिन हमें दो दिन देखे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील काला कोर्ट के प्रतापगढ़ के इलाहाबाद के आसपास निकल पड़ते थे, उसी वकील और नौजवान छात्री आए थे, गुजरात के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था और बिहार के छात्रों का साथ अन्याय शुरू हो गया, तो बुरे जज काजी देख नहीं सके, निकल पड़े तो सारे पति निकल पड़े। आप क्या जानते, 8.5 साल 8.5 साल ऐसे तो हमको हो गए काफी 3 साल होने जा रहे, लेकिन ये 8.5 साल कैसे बीत रहे हैं हमारे समाजवाद में। ये सही है कि अगर हमारे तीव्र बुद्धि वाले और निर्भीक वकील और जुड़सेरी नहीं होती तो ये सही है कि जो ऐलान किया गया था कि सही जिंदगी अपराधी की जेल में बीते, ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ था, उस वक्त हम लोग अकेले लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी अकेली जूझ रही थी, जिस वक्त गोलियां चली हम जान के कह रहे हैं
तो नौजवान निकले हमारे दस से लेकर 15,000 करते हुए यहां से, फिर आगरा में बहुत बड़ी तादाद में हुए 12, 13, 14 मार्च, 15 मार्च, और वही लड़की जब निकले सड़कों पर तो किस तरह से टीयर गैस और गोलियां चली, पूरा हमारा नेतृत्व था जैसे समय सात से लेकर के जीता नेतृत्व पूरा हिंदुस्तान का था। लड़कों को हम जानते थे कि जैसे कि जाल हुकूमत है और भ्रष्ट हुकूमत है कुछ ही कर सकती है, तो हम उन छात्रों को बच्चों को बचाने के लिए खड़े थे, लेकिन गोलियां चली, टीयर गैस चला और दफ्तर में हमारी पार्टी में देखो जाके अब भी निशान है। तब क्या अधिकारी कहते थे कि ये नौजवानों ने कुछ मतलब फेंके टीयर गैस उठा लेते थे ऊपर फेंक गए थे, पहला टीयर गैस तो मेरी ही निकल गया था। उस वक्त भी नौजवान तो निकला, फिर ये 25 तारीख जिसको सरकार गई उधर नौजवान पूरे प्रदेश के अंदर आपके आगरा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में निकल पड़ा था, दिल्ली में निकला नौजवान तो निकला, लेकिन अलवक्ता का भाइयों आप उदासीन क्यों हो, अपनी शक्ति को पहचानो, हीनता की भावना डालो, आप अंदर साफ के पास आगे बढ़ो, ये मैदान राजनीतिक आपका है, आपका मैदान है, अगर आपने कहीं छोड़ दिया उदासीन हो गए और हीनता की भावना रही तो इस जगह पर इस मैदान को माफिया और ठेकेदार और बिल्डर से घेरने के पैसे के बल पर ये हालत आज है। इसलिए हमारी अपील है कि अपनी भूमिका को निभाइए, जो शानदार भूमिका है राजनीतिक की शक्ति है और जो परिवर्तन की है लड़ाई है तो पर्वत की लड़ाई में आप साथ दीजिए। आज और जहां तक न्यायपालिका का सवाल है वहां ज्यादा नहीं कहना चाहते, आपकी शानदार भूमिका है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोई वकील न निकले हो, आज मानवता जुड़ है लेकिन ये निकल पड़े, और ये सही है कि अपने नेतृत्व के कारण ही मानवता बन गए। इन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया बेईमानी का चुनाव उनके खिलाफ, जिस तरह से बेईमानी भली हुई हो लेकिन जैसे हिम्मत के साथ लड़े आए लोग, काफी वकील बड़ी तादाद निकले हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक ये आमतौर पर नहीं आते तो व्यक्ति मुलायम सिंह थे और अब चाहता है कि मुलायम सिंह सुधर गए, आपकी सुधरी सुधरी दे जा रहे बड़ी आर्टिकल भी लिखी है। तो इसी तरह से दूसरी जब मूर्तियां रखी गई तब क्या हालत थी, हमने इटावा में देखा कभी भी हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ ही नहीं, लेकिन काली झंडे पीले झंडे दिखाई दिए इटावा की सड़कों पर, और जब राम जान की रथ निकलने लगा तब हिंसा होगी नहीं प्रस्ताव जाऊंगा, हम और जनप्रति के सीतापुर में बहुत बड़ी भीड़ होने वाली थी हमारी सभा में, और मुख्तारी सभा कर रहे थे देखे उदास और बहुत दुखी, मैंने क्या हो गया तो रथ निकल रहा था और रथ निकलने के बाद ऐसा तनाव हो गया कि दो लोगों की जाने चली गई गोली से, रिश्ते में गोली ला, तो बताइए हम क्या करते, कौन सी भाषा बोलते, ये हमने कहा कि ईश्वर अल्लाह इंसानियत के लिए होता है, और अगर ईश्वर अल्लाह के नाम पर इंसानियत के कतलेआम होगा तो बहादुर साथियों हम वहां करके इस राम जाने के लिए खुद रोको, तो मेरी भाषा क्या होती है बताओ, मैं पूछा करता यह परिस्थितियां क्या मैं बताऊं। इसी तरह से 89 में और 90 में जो परिस्थिति मेरे सामने है, हमने क्या अपराध किया, अगर हमने शंकराचार्य को गिरफ्तार किया था मुझे खुशी बात है उस वक्त बहुत सी कचहरियों पर बहस हुई कि मुझे आप क्या है, दो हिस्सों में कचहरी बट गई थी बकरियों की, एक कहते जो आपके ठीक किया एक कहते थे गलत किया, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि देश की एकता बड़ी है, देश से बड़े शंकराचार्य नहीं है, देश से बड़े 16 लोगों की जाने हैं, अगर देश की एकता के खातर अगर 32 जाने जा सकती हैं तो उसकी कीमत देश की एकता के सामने कुछ भी नहीं। ये मैंने भाषा की तो पूछा मैं चाहता हूं पत्रियों में भाषा कौन सी बोलते, ये जगा रहा था आप लोग सब कुछ बात हम